हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज हम चैप्टर नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने 6 चैप्टर जो है कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देखें। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी हुई है, जहां आप क्लिक करते ही आप हमारी सारी वीडियो देख पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण और प्रदूषण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वो सभी जितने भी प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ये है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, तो पर्यावरण का अर्थ समझते हैं। देखिए, पर्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं हम एनवायरनमेंट, ठीक है ना, एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण को इंग्लिश में हम कहते हैं एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट शब्द है हिंदी में से पर्यावरण, अब पर्या जमा आवरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि जमा आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढके हुए। यानी कि जो चीज हमें चारों ओर से ढके हुए है वो पर्यावरण है, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें संसाधन की, तो संसाधन का मतलब होता है वह चीज़ें जो मनुष्य अपने उपयोग में लाता है। अब संसाधन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा संसाधन की बात करें तो कोयला, पेट्रोल इत्यादि आ जाते हैं। और खाद्य संसाधन की बात करें तो अनाज आ जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो संसाधन जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पर्यावरण और संसाधन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है कि विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, क्या ज़रूरत है पर्यावरण को बचाने की, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, क्योंकि पहला पॉइंट यह है इसका आंसर का कि कृषि योग्य क्षेत्र जो है वो अब घट रहे हैं, भूमि की उर्वरता जो है वो कम हो रही है। पहले उत्पादन की मात्रा अधिक होती थी, क्योंकि जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसकी जो मृदा होती थी वो उपजाऊ होती थी। किंतु आज प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि जो कृषि योग्य भूमि है उनकी उत्पादन क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई है। इस कारण भी पर्यावरण के प्रति विश्व को चिंता हो रही है। दूसरा कारण है मत्स्य भंडार में कमी। मत्स्य भंडार में कमी का मतलब यह है कि जल प्रदूषण का स्तर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण जो जलीय जीव होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनका दम घुट जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि मत्स्य भंडार जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण विश्व जो है आज पर्यावरण की ओर ध्यान दे रहा है। दूसरा है घटती जंग शुरू तथा अनाज उत्पादन प्रदूषण के कारण है। यानी कि विश्व स्तर पर जो संसाधन है वो पूरी तरह से घट रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइन गलत है, ठीक है ना। विश्व स्तर पर जितने भी संसाधन हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं, तब चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, और उनका प्रदूषण का स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। घटते हुए वन और जैव विविधता जो है ये भी कहीं ना कहीं कारण है जो कि विश्व का ध्यान पर्यावरण की ओर खींचते हैं। आज वन जो हैं निरंतर काटे जा रहे हैं और जैव विविधता यानी कि जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं, जो प्रजातियां हैं, उनका विनाश हो रहा है। तो ये सब कारण भी विश्व के देशों को पर्यावरण के प्रति चिंता करने को मजबूर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता व समुद्री तटीय इलाकों में मनुष्य की संघन बसावट हो गया, यहाँ पर बसावट, ठीक है ना। यानी कि आज समुद्र के किनारे अगर आप लोग देखेंगे तो जो मनुष्य होते हैं वो बसे रहते हैं, उनका जीवन जो होता है वो मत्स्य से चलता है, यानी मछली वगैरह से चलता है। तो प्रदूषण का स्तर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है जिससे कि तटीय इलाकों में जो लोग होते हैं वो कई प्रकार की बीमारियों से आज ग्रस्त हो रहे हैं। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण आज विश्व पर्यावरण पर बल दे रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक तापमान। आज विश्व स्तर पर प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण जो पृथ्वी पर ग्लेशियर है, जो पर्वत वगैरह हैं, ये सारे के सारे पिघल रहे हैं और समुद्र जो हैं वो जलमग्न हो रहे हैं, ठीक है ना। और
नेक्स्ट जो कारण है जिसके कारण आज विश्व पर्यावरण की तरफ आकर्षित हो रहा है वो है ओजोन परत में क्षय। ओजोन परत जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस की एक परत होती है जो कि सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको छानने का काम करती है और उसके पश्चात वो उसे पृथ्वी पर भेजती है। तो आज ये गैस जो है वो कम हो रही है जिसके कारण आज विश्व कई प्रकार की चमड़ी संबंधी रोग यानी जो स्किन कैंसर जैसे जो रोग हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये सारे वो कारण हैं जिसके कारण आज विश्व पर्यावरण के प्रति चिंतित है, ठीक है ना, पर्यावरण को बचाने की ओर ध्यान दे रहा है और प्रदूषण को कंट्रोल करने पर बल दे रहा है। इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है कि विश्व जो है उसने कौन कौन से ऐसे कदम बढ़ाए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। ओके, सबसे पहला कदम, क्योंकि विश्व स्तर पर ये जब ये समस्याएं आने लगी तब विश्व के देश पहली बार स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में, पहली बार एक पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन सन 1972 में आयोजित किया गया था और यह पहला ऐसा प्रयास था जो कि पर्यावरण से संबंधित था और जिसमें विश्व के लगभग सभी देश शामिल हुए थे। ये कहाँ हुआ था तो याद रखें, स्वीडन में हुआ था। और इस सम्मेलन में बात की गई थी मानवीय पर्यावरण घोषणा की, कार्य योजना की, परमाणु जो हथियार वगैरह बनाते हैं देश उनकी, और यहीं से ही विश्व पर्यावरण दिवस का जो प्रस्ताव है वो मंजूर किया गया था। यानी कि आज जो हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं वो निर्णय जो है वो इसी सम्मेलन के दौरान लिया गया था, ठीक है ना। तो इस सम्मेलन में इन सभी बातों पर चर्चा की गई थी। कहाँ हुआ था तो स्टॉकहोम में, और कब हुआ था तो 1972 में। ओके, अब दूसरा जो सम्मेलन था पर्यावरण से संबंधित, ये सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है। ये सम्मेलन जो हुआ था इसे हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था सन 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो जो है, जेनेरो, वो ब्राज़ील का एक शहर है। इस सम्मेलन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। अब इसे रियो सम्मेलन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस स्थान पर आयोजित किया गया था उस स्थान का नाम रियो था। जबकि इसे एजेंडा 21 भी कहते हैं। इसे एजेंडा 21 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित 21 विषयों पर चर्चा की गई थी, जिसके अंदर कुछ विषय जो है मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि निरंतर जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसको किस प्रकार से काबू किया जाए, जैव विविधता जो है वो निरंतर घटते जा रहे हैं यानी कि जो जीव होते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं उनका कैसे संरक्षण किया जाए, वानिकी के नियम इसमें निर्धारित किए गए थे कि वृक्षों को कोई नहीं काटेगा, पर्यावरण की रक्षा और साझी जिम्मेदारी और टिकाऊ विकास पर बल देना जो है शुरू किया गया था। ये ऐसा सम्मेलन था जिसमें उत्तरी और दक्षिणी जो देश हैं उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। आगे चलकर एक क्वेश्चन है जहां मैं आपको बताऊंगा कि उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच क्या विवाद है। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि पृथ्वी सम्मेलन जो है इसे रियो सम्मेलन और एजेंडा 21 भी कहते हैं। कहाँ हुआ तो ब्राज़ील में हुआ, कब हुआ तो 1992 में हुआ, और किन किन विषयों पर बल दिया गया तो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के नियम निर्धारित किए गए, पर्यावरण रक्षा की बात की गई और साझी जिम्मेदारी और टिकाऊ विकास की बात भी की गई थी सम्मेलन में। ओके, नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन है जो कि हुआ था जापान के क्योटो नामक शहर में। ये हुआ था सन 1997 में, 1997 में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ये औद्योगिक देश हैं यानी जो बड़े बड़े देश हैं वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ये पृथ्वी के ताप को बढ़ाती हैं और इस कारण जितने भी जो ये विकसित देश हैं ये लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। तो इसलिए जो है ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था ताकि उन देशों को ये बताया जा सके कि उनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया जा रहा है उससे विश्व को क्या क्या हानि हो रही है। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जिम्मेदारी साझी, भूमिका अलग अलग का क्या अर्थ होता है। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि साझे जिम्मेदारी और अलग अलग भूमिका क्या है, तो इसे ध्यान से समझें। अब ये विश्व, अगर मैं मानूँ ये पृथ्वी है,
तो पृथ्वी के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। पृथ्वी का ये ऊपरी भाग जो होता है ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। जबकि जो ये निचला स्तर होता है पृथ्वी का, इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो अब इन्हीं पृथ्वी के देशों के बीच विवाद है। उत्तरी ध्रुव के देश ये कहते हैं कि पर्यावरण को हम सभी ने मिलकर दूषित किया है, इस कारण पर्यावरण को बचाने का और उसे साफ सुथरा रखने का दायित्व भी हम सभी का है, ठीक है ना। तो उत्तरी ध्रुव के देश कुछ ऐसा कहते हैं, जबकि जो दक्षिणी ध्रुव के जो देश हैं वो ये मानते हैं कि पर्यावरण को उन लोगों ने दूषित नहीं किया है। ये वो देश हैं जो कि अभी भी पिछड़े हुए हैं या फिर अपना विकास कर रहे हैं। तो ये देश कहते हैं कि ना तो हमने पर्यावरण को दूषित किया है और ना ही हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को साफ करें। तो इस कारण ये उत्तर और दक्षिण देश के मध्य विवाद का कारण है कि आखिर पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी कौन लेगा। दक्षिणी ध्रुव के देश जो हैं वो उत्तरी ध्रुव के देशों पर ये आरोप लगाते हैं कि उन देशों ने ही अपना आर्थिक विकास तेज करने के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। इस कारण सारी जिम्मेदारी जो है पर्यावरण को बचाने की वो उत्तरी ध्रुव के देशों की होनी चाहिए। तो इस तरीके का ये जो विवाद है इसे ही हम कहते हैं साझी जिम्मेदारी किंतु अलग-अलग भूमिका। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये नोट्स के रूप में यहाँ मैंने लिखवा रखे हैं, आप इसे नोट डाउन करें कॉपी में। जो जो मैंने आपको समझाई हैं वो सारे पॉइंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण तथा भारत का योगदान, यानी कि भारत जो है वो पर्यावरण के संरक्षण में अपना क्या क्या योगदान दे रहा है। तो यहाँ पर खूब सारे पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने। पहला पॉइंट ये है कि आज भारत जो है प्रकृति संतुलन को संस्कृति से जोड़ा जाता है भारत में, जैसे कि पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, गाय, इन सब को हम पूजते हैं, ठीक है ना। पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, गाय जो कि जीव है, एक बंदर, सांप, ये सब के सब जो जीव हैं इनकी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारत जो है वो पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देता है। क्यों? क्योंकि वो पर्यावरण संतुलन को संस्कृति से जोड़ता है। दूसरा है विश्व पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जितने भी आयोजन किए जाते हैं, जितने भी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है पर्यावरण से संबंधी, उसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया था सन 2001 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रदूषण रहित ऊर्जा का निर्माण करना। नेक्स्ट है पुनर्विकृत ऊर्जा प्रयोग बढ़ावा, यानी कि जो ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न किया जाए जो प्रदूषण ना करे और दोबारा यूज़ किया, रीयूज जिसे हम कहते हैं। तो भारत ने हमेशा विद्युत का रीयूज करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है भारत ने स्वच्छ इंजन व प्राकृतिक गैस प्रदूषण रहित जो तकनीक पर जोर देने पर बल दिया, और इसी कारण भारत में नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाई गई ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। भारत में ही बायोडीजल की योजना लागू की गई है और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जाता है ताकि कम से कम प्रदूषण में अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके। राज्यों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए भारतीय राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। ये बोर्ड जो होता है वो पर्यावरण में राज्य में पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है। और क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत द्वारा किए गए सन 2002 में हस्ताक्षर भी इस बात के गवाह है कि भारत जो है वो पर्यावरण के प्रति काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना, और काफ़ी सजग है। तो ये पॉइंट आ जाएंगे आपके कि भारत किस प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दे रहा है। तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने होंगे, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट लें। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मूलवासी कौन है या मूलवासी का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन अच्छी सी लिख रखी है कि वे लोग जो किसी देश में बहुत पहले से रहते आए हो परंतु बाद में दूसरे देश के लोग वहां आकर इन लोगों को अपने अधीन कर लिया हो और मूलवासी अपना जीवन विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज के साथ बिताते हैं, ठीक है ना। तो सीधी भाषा में इसकी परिभाषा हो गई कि वह लोग जो किसी देश में लंबे समय से रहते आए हो वह व्यक्ति वहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं।
तो भारत में जो लोग लंबे समय से रहते आ रहे हैं वही वहाँ के मूल निवासी हैं, और उसके पश्चात जितने भी भारत में विदेशी लोग आए हैं वो उनको भारत का मूल निवासी नहीं माना जा सकता। आज इन मूल निवासियों ने अपने एक संगठन का निर्माण किया है। 1975 में इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल। और इस संगठन, जब ये संगठन का निर्माण किया गया तो मूलवासियों ने 1980 में अपनी कुछ मांगे रखी सरकार से। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मूलवासियों की क्या मांगे हैं, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि मूलवासियों के संगठन का क्या नाम है, तो आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने होंगे कि मूलवासी संगठन का नाम है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। कब बना? तो 1975 में बना। अब बात करते हैं कि ये मूलवासी चाहते क्या हैं सरकार से, या उनकी क्या मांगे हैं। तो यहाँ मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं कि क्या क्या मांगे हैं मूल निवासियों की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में। पहला ये कि मूलवासी कौम के रूप में मान्यता दी जाए उन्हें। पहली डिमांड जो है उनकी मूलवासियों की वो ये है कि उन्हें मान्यता दी जाए मूलवासी कौम के रूप में। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्हें अन्य वर्गों के समान समानता प्रदान की जाए, ठीक है ना, कि अन्य वर्गों के साथ उन्हें समानता प्रदान की जाए। साथ ही साथ अपनी संस्कृतियों की सुरक्षा का अधिकार दिया जाए उन्हें, और अपने स्थान व उत्पादन के उन्हें स्वामी बना दिया जाए, यानी कि जिस स्थान पर वो लोग रहते हैं वहाँ का इन्हें मालिक बना दिया जाए, ताकि ये लोग कृषि कर सकें और अपना निवास स्थान बना सकें। और विकास चाहे जितना मर्जी करा जाए लेकिन विकास के कारण उन्हें विस्थापित ना किया जाए। क्योंकि होता ये है कि मान लो कोई जंगल में कोई व्यक्ति रहता है या कोई परिवार रहता है, तो अगर सरकार को इस जंगल की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ के लोगों को हटा दिया जाता है और जंगल पर अपना नियंत्रण कर लिया जाता है। तो ये लोग चाहते हैं कि इन्हें विस्थापित ना किया जाए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान ना भेजा जाए किसी भी कारण से। तो ये तो था हमारा चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हमने डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिनकी संभावना ज़्यादा है। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखें। आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो जो है वो लिंक में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।